हेलो एवरीवन, आज के वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के बारे में। लास्ट वीडियो में एलिमेंट्री कैनाल को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें फोरगट, मिडगट एंड हाइंड गट को हमने डिस्कस किया था कि कैसे फूड वन बाय वन पार्ट मूव करता है। एंड जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स हैं वो अपने कुछ सीक्रेशन सीक्रेट करेंगी, जिसकी हेल्प से फूड ब्रेक डाउन होगा, डाइजेस्ट होगा और फिर वो एब्जॉर्ब होगा। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर यहाँ पे हम सेलिवरी ग्लैंड्स डिस्कस करेंगे एंड हिपेटिक सीके एंड मिडगट लाइनिंग, ये यहाँ पे डाइजेस्टिव ग्लैंड्स की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं और एसोसिएटेड ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। तो सबसे फर्स्ट अगर हम बात करें सेलिवरी ग्लैंड्स की, सेलिवरी ग्लैंड जो है ए पेयर ऑफ वाइट डिफ्यूज ग्लैंड्स होती है, एक पेयर में प्रेजेंट होती है, यानी कि दो ग्लैंड्स प्रेजेंट होंगी। डिफ्यूज टाइप की ग्लैंड होती है जो लोकेट करती है थोरेक्स के अंदर, जो थोरेक्स वाला पोर्शन होता है उसके अंदर लोकेट करती है, और जो क्रोप होता है उसके आइदर साइड में। ये यहाँ पे स्ट्रक्चर हो गया, डायग्राम हो गया सेलिवरी ग्लैंड्स का, जो कि पेयर के अंदर प्रेजेंट है। ये एक पेयर हो गया और ये सेकेंड पेयर हो गया, और ये फाइनली ओपन होती है हाइपोफेरिंग्स के अंदर। जो ये सेलिवरी ग्लैंड है इसके भी फर्दर दो पार्ट्स होते हैं, इसके अंदर दो रीजन्स प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट इज द ग्लैंडुलर पार्ट, पहला इसके अंदर ग्लैंडुलर पार्ट होगा, जो ये हमें लीफ लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे नजर आ रहे हैं, ये क्या है, ग्लैंडुलर पार्ट है। एंड सेकंड वन इज द रिजर्वोयर और रिसेप्टिकल, जो ये येलो इस पोर्शन नजर आ रहा है वो है रिसेप्टिकल और रिजर्वोयर। अब रिजर्वोयर से ही पता चल रहा है ये कुछ ना कुछ यहाँ पे रिजर्व करके रखेगा, स्टोर करके रखेगा। तो ग्लैंडुलर पार्ट क्या करता है, सिक्रीटिंग करता है, इसके अंदर सिक्रीटिंग लोब्यूल्स और इकाइनी प्रेजेंट होती है। जो ग्लैंडुलर पार्ट है उसके अंदर सीक्रेटिंग लोब्यूल्स और इकाइनी प्रेजेंट होती है, जो कि सलाइवा सीक्रेट करेगी, और इन इन लोब्यूल्स के अंदर भी, इन इकाइनी के अंदर भी दो टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती है। फर्स्ट इज द जाइमोजेनिक सेल्स एंड सेकंड इज द डक्टल कंटेनिंग सेल्स। तो ये दो टाइप की सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट होती है। ये दोनों टाइप की सेलें क्या करती हैं, सलाइवा सीक्रेट करती हैं, और उस सलाइवा के अंदर अमाइलेज एंड म्यूकस प्रेजेंट होता है, जो कि फर्दर स्टार्च का ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा अमाइलेज। अब ये जो भी सलाइवा सीक्रेट हुआ है वो एक तरह से स्टोर कौन करेगा, वो रिजर्वोयर और रिसेप्टिकल वाला जो रीजन है सेलिवरी ग्लैंड्स का, वो करेगा इसको रिजर्वोयर या फिर स्टोर करके रखेगा। तो ये हो गया यहाँ पे इसके, एक तरह से हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से रीजन्स प्रेजेंट थे। इसके बाद अगर हम इसको थोड़ा सा डिटेल में देखें सेलिवरी ग्लैंड को, पेयर में प्रेजेंट हो गई। अब इसके अंदर रीजन्स कौन कौन से प्रेजेंट होंगे, फर्स्ट इसके अंदर सेलिवरी ग्लैंड्स प्रेजेंट है, जो हमने डिस्कस किया था, ये जो लीफ लाइक लोब्यूल्स प्रेजेंट है। एंड सेकेंड इज द, ये वाला जो पार्ट है वो क्या है, सेलिवरी रिसेप्टिकल है, ये सेलिवरी रिसेप्टिकल है जो कि सलाइवा को स्टोर करके रखेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, सबसे फर्स्ट यहाँ पे जो सेलिवरी ग्लैंड है, एक सेलिवरी ग्लैंड यहाँ से आई, सेकंड सेलिवरी ग्लैंड यहाँ पे आई, तो ये जो सेलिवरी ग्लैंड से जो डक्ट आई है उसको बोलते हैं डक्ट ऑफ सेलिवरी ग्लैंड। तो फर्स्ट डक्ट ये हो गई, सेकंड डक्ट ये हो गई, ये दो डक्ट मिलके आपस में कंबाइन करती है यहाँ पे, यहाँ पे ये दोनों की दोनों आपस में कंबाइन कर गई इस वाले पोर्शन पे, तो इस पोर्शन को बोलते हैं कॉमन सेलिवरी डक्ट। ये क्या हो गई, कॉमन सेलिवरी डक्ट हो गई, जिसके अंदर दोनों जो सेलिवरी ग्लैंड्स थी उनकी सीक्रेशंस आएगी। अब इसके बाद सेकंड हमने पार्ट की बात की थी सेलिवरी रिसेप्टिकल की, तो एक सेलिवरी रिसेप्टिकल लेफ्ट से आया, एक इधर साइड से आया, तो दो सेलिवरी रिसेप्टिकल की, एक की डक्ट ये हो गई, सेकंड की डक्ट ये हो गई, और ये जब आपस में ज्वाइन करेंगी दोनों की दोनों डक्ट, तो इसको अगेन हम क्या बोलेंगे, कॉमन रिसेप्टिकुलर डक्ट और डक्ट ऑफ रिजर्वोयर। तो ये क्या हो गई, कॉमन डक्ट हो गई। अब हमारे पास दो कॉमन डक्ट है, फर्स्ट इज द कॉमन सेलिवरी डक्ट है एक तो, एंड सेकेंड इज द कॉमन रिसेप्टिकुलर डक्ट और डक्ट ऑफ रिजर्वोयर है। अब ये दोनों की दोनों डक्ट क्या करेंगी, एक कॉमन ओपनिंग के अंदर, कॉमन डक्ट के अंदर ओपन होगी, और उस कॉमन डक्ट को बोलते हैं कॉमन एफरेंट सेलिवरी डक्ट, इसको बोलते हैं कॉमन एफरेंट सेलिवरी डक्ट। तो ये ओपन हो गई, ओपन होने के बाद ये हाइपोफेरिंग्स के अंदर ओपन हो जाएगी, कॉमन एफरेंट सेलिवरी डक्ट।
तो ये सिक्रीशंस जो है ऐसे चलती है, यानी सेलेवरी ग्लैंड से सिक्रीट किया वो आ गई यहाँ पे कॉमन सेलेवरी डक्ट के अंदर, और अगर स्टोर करना है तो वो वापिस से ऐसे ऊपर जाके फॉरवर्ड में जाके ऊपर की तरफ जाके वो स्टोर कर सकती है सेलेवरी रिसेप्टिकल्स के अंदर, और फाइनली ये ओपन होती है कॉमन एफरेंट सेलेवरी डक्ट के अंदर, एंड फाइनली ये हाइपोफेरिंग्स के अंदर अपनी सिक्रीशन सिक्रीट करेगी, जहाँ से ये सलाइवा फूड के अंदर मिक्स हो जाएगा। सेकेंड टाइप की यहाँ पे प्रेजेंट होती है ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स के अंदर हिपेटिक सीके एंड मिडगट लाइनिंग। ये जो है हिपेटिक सीके एंड मिडगट लाइनिंग, ये एंजाइम सिक्रीट करती है, या फिर हम कॉमनली बोल सकते हैं ये जूस प्रोड्यूस करती है, ठीक है। और इन जूस में, इन जूस के अंदर सबसे फर्स्ट एंजाइम प्रेजेंट होता है प्रोटियोलिटिक एंजाइम, जो कि प्रोटीन्स का डाइजेशन करेगा, लिपोलिटिक एंजाइम्स जो फैट्स का डाइजेशन करेगा, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल्स के अंदर, एंड थर्ड वन इज द अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स। अमाइलोलाइटिक एंजाइम्स क्या करेगा, स्टार्च का ब्रेक डाउन करेगा। तो हिपेटिक सीके एंड मिडगट लाइनिंग के अंदर ये टाइप के जूसेस प्रेजेंट होते हैं, जो कि अगेन क्या करते हैं, डाइजेशन के अंदर हेल्प करते हैं। तो ये पार्ट हो गया डाइजेस्टिव ग्लैंड का, और इससे पहले एलिमेंट्री कैनाल हम इसे पहले की वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ तक डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया, जिसके अंदर एलिमेंट्री कैनाल एज वेल एज जो डाइजेस्टिव ग्लैंड्स है वो हम डिस्कस कर चुके हैं। इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ डू लाइक शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।